नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जमशेद सिंह कपूर है। मैं एक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे आज जो कोरोना का कहर है उस पर। मैं ये वीडियो 22 तारीख को लोड कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज जनता कर्फ्यू है। कोरोना के कहर के पहले हम लोग भूत में जाते हैं, पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो हमको पता लगेगा कि 1720 के आसपास प्लेग फैला था, जो चूहों से फैला था। पूरी दुनिया में प्लेग से 1 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। उसके बाद में 1820 में कॉलरा फैला, कॉलरा से करोड़ों लोग मरे गए और कॉलरा में उल्टी होती थी। प्लेग भी महामारी का रूप लेके आया था, इससे भी करोड़ों लोग मारे गए थे 1720 में। प्लेग 20 नंबर याद रखिए, 1820 में कॉलरा 20 नंबर 20। 1920 में स्पेनिश फ्लू, इससे 5 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। ये सब महामारी है। और अभी 2020 में कोरोना। देखिए 20 यहां आंकड़ा है, 20 जो नंबर है यदि हम उसको गौर से देखें तो वो चंद्रमा का नंबर है, यानी फैलना, पानी की तरह फैलना। अब यहां डबल 20 है, 2020 और 2020। तो ये कोरोना का जो कहर है पूरी दुनिया में है, आप देख रहे हैं इटली में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह लोग भयावह है। हमारे हिंदुस्तान में शायद उसकी व्यवस्था उतनी बड़ी नहीं है, उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इस बीमारी से लड़ने के लिए। हम लोग सुरक्षा की तरह से अपने घर में बंद है, अपने आप को हाउस अरेस्ट करके रख रहे हैं। भारत में ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो भारत में, भारत की जो राशि है, यदि आप भारत की राशि जानना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो चंद्र राशि कर्क आएगी। कुछ लोग भारत की राशि मकर बताते हैं, पर यदि आप ये खुद डालोगे तो आपको पता लग जाएगा भारत की राशि कर्क आएगी। कर्क राशि में चंद्रमा है उस समय। तो कर्क राशि में यदि देखा जाए तो छठवां गुरु चल रहा है। यह छठवां गुरु जो है वह बहुत सारे उथल पुथल लाता है जो हम देख रहे हैं। ये छठवां गुरु 19 नवंबर महीने से चला है। नवंबर महीने के बाद में हम लोग देखते हैं कि भारत में सीए के खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हुए, दिल्ली में दंगे हुए और अभी ये कोरोना का कहर है। यह जो गुरु है, यह छठवा गुरु 29 मार्च को यह छठवा गुरु सातवें गुरु में कन्वर्ट होने वाला है। 3 महीने के लिए वो सातवा गुरु रहेगा, उसके बाद में फिर छठवा गुरु आ जाएगा। 20 नवंबर तक भारत में ग्रहों की स्थिति कमजोर है। अब ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? बीमारी का डिस्क्रिप्शन हो गया, 1720 प्लेग, 1820 कॉलरा, 1920 स्पेनिश फ्लू और 2020 यानी डबल 20 कोरोना। अब इसमें क्या किया जा सकता है? आपको कौन सी ऐसी चीज है जो बचा सकती है? कौन सी ऐसी चीज है? मुद्दे की बात यही है। देखिए दोस्तों, हम हाउस अरेस्ट की तरह हैं। कुछ समय के लिए 9 बजे के बाद में खुल जाएगा। यदि आप देखते हैं अपने आसपास में, कुछ ऐसे स्टूडेंट लोग होंगे जो खाने के दुकानें बंद होने की वजह से वो भी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुछ ऐसे मजदूर होंगे जो बेचारे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को हो सके तो खाना उपलब्ध करवाइए, थोड़ा ज्यादा बना के उनको दीजिए, जितने लोगों को हो सकता है। पूरी दुनिया को तो आप नहीं पहुंचा सकते, पर आप 2, 4, 8, 10 लोगों को, हम लोग खुद भी, जो लोग भूखे हैं उनको हम लंगर सेवा कर रहे हैं। आज हमारी लंगर सेवा बंद थी, पर हमने सुबह और कुछ लोगों को लंगर पहुंचाए, जो लोग बेचारे घर में हाउस अरेस्ट की तरह थे, जो लोग डेली वेजेस थे और जो लोग बहार नहीं निकल सकते। अब उनकी 8 घंटे की ड्यूटी ही नहीं होगी तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? ऐसे लोगों को हम लोगों ने लंगर पहुंचाया सुबह, जितना अपनी तरफ से हो सकता।
तो लंगर सेवा कीजिए। लंगर सेवा किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब आप अपने लेवल पे पुण्य का काम करोगे तो हो सकता है आप कोरोना से जैसे खतरनाक बीमारी से आप बचो, आपका हाथ गलती से वहां पर ना लगे जहां पर कोरोना के वायरस चल रहे हैं, और आप हर प्रकार के चीजों से बच सकते हो। एक बात पूरे तरीके से साबित हो चुकी है कि धार्मिक स्थल बंद है, यानी जो धार्मिक स्थल हमें दुनिया की सारी दुख तकलीफ परेशानियों से बचा सकते हैं या दावा करते हैं कुछ लोग, वो धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं धर्म का क्या रोल है। आपको चैरिटी में आना पड़ेगा, आपको लोगों की भूख को मिटाना पड़ेगा, और जब आप ऐसा करोगे तो आप सभी प्रकार के दुख तकलीफ परेशानियों से बचोगे। आप चाहे तो लंगर सेवा करने के लिए हमें भी सहयोग कर सकते हैं। हम कोरोना के जो हालात चल रहे हैं उसमें लोगों को घरों में जाके जो लोग बेचारे भूखे हैं उनको हम लोग सुरक्षित साफ सुथरा लंगर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप हमें भी सहयोग कर सकते हैं। आपके जीवन में और पूरे दुनिया में यह महामारी ना फैले, यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।